योगेंद्र भाई हैं बहुत, इनके छंद पढ़ेंगे तो ठहाके लगाएंगे, बात करेंगे तो ठहाके लगाएंगे। अभी लड़के की शादी की, लड़के की शादी की तो समझाए लड़के को, देख ये जो तेरा ससुरा है ना, है बहुत पैसे वाला लेकिन बड़ा कृपिण है, बहुत कंजूस है। एक काम करना, तुम्हें यदि जैसे कार मांगनी हो, मोटरसाइकिल मांगनी अगर तुम्हें हो तो तुम कार मांगना, मैंने बढ़ा के मांगना। तुम्हें फ्लैट मांगना हो तो तुम बंगला मांगना। तुम्हें एक बीघा जमीन की जगह एक एकड़ मांगना, रेडियो की जगह बड़की वाली टीवी मांगना 80 इंच वाली। तो ये बोले लड़का से, तू समझा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ समझ गया पापा, यही ना कि लड़की मांगनी तो उसकी माँ को मांग लेंगे। जोरदार तालियां बजाइए, योगेंद्र मुदगल जी आपके सामने आ रहे हैं। ये तालियां बहुत कम है योगेंद्र के लिए, आनंद लिया। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं भाई चकाचौन जी, मेरे को तो ध्यान में है। एक रात अपने घर पे सो रहे थे अपनी घरवाली के पास, क्यों सो नहीं सकते क्या? अगला अपनी घरवाली के साथ सो रहा था। रात को घर में चोर घुस गया, चोर के हाथ में 7 इंची चाकू था। इनकी आंख खुल गई, इन्होंने रजाई से मुंह बाहर निकाला, देखा चोर घुसा हुआ है और हाथ में 7 इंची चाकू है। ये बहुत इंटेलिजेंट बनारस के हैं साहब, खड़े हुए रजाई से बाहर निकले और निकलते ही चोर से बोले, सेफ की चाबी निकाल कर ले भाई, चोर जो करना है कर ले। लेकिन चोर बहुत ईमानदार था, कहने लगा एक बात बताओ चकाचौन जी, ये चाकू क्या मैंने दिखाने के लिए रखा हुआ है? आपको पता नहीं है मैं तो जहां भी जाता हूं हमारे कबीले का नियम है कि वहां एक खून भी करता हूं। चकाचौन जी बोले, चिंता मत कर बेटा, हमारे यहां बनारस में भी एक नियम है, लेडीज फर्स्ट। और कह के अपनी घरवाली आगे कर दी। अब चोर ने उनका नाम पूछ लिया तो उन्होंने बताया, जी मेरा नाम शकुंतला। चोर ने तुरंत चाकू नीचे कर लिया और बोला, शकुंतला तो मेरी माँ का नाम था, मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता। लेकिन मित्रों आप इनकी इंटेलिजेंस से पड़ताली बजाना कि इन्होंने जब कहा कि उनका नाम पूछ लिया, उनका नाम बता शकुंतला, कि शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता। चकाचौन जी जरा जाओ तो चकाचौन जी बोले, भाई चोर बात सुन ले ध्यान से, नाम भले ही मेरा चकाचौंद ग्यारपुरी हो लेकिन मोहल्ले वाले मुझे प्यार से शकुंतला ही कहते हैं। मैं तो क्या बताऊं यार, दरअसल है क्या, बहुत जल्दी आ गया था आज मैं, और जल्दी आने के बाद जितनी भी स्थितियां थी, अच्छा मेरी लेगा क्या, ले ले, ले। अच्छा एक बार इधर से ले, अच्छा ले ले, अब एक बार कुर्सी पर चढ़ के ले, नहीं तो फिर वहां बैठ जा, अब बैठ जा। फिर मैं तो बताऊं क्या, आज की स्थितियों से मैं बहुत दुखी हुआ साहब। बहुत सारी आप लोगों ने देखी टेलीविजन, आप सभी ने देखा, मैंने 4 पंक्तियां लिखी आप तक, देखिएगा हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज जो भी परिदृश्य रहा, दृश्य रहा, उसको समर्पित करता हूं 4 पंक्तियां। कोई कहता है आंदोलन, कोई कहता है दंगा है, कोई कहता है आंदोलन, कोई कहता है दंगा है, मगर हालात कहते हैं नियोजित सारा पंगा है। अगर दिल्ली की हालत पर तिरंगा कह रहा होगा, मगर दिल्ली की हालत पर तिरंगा कह रहा होगा, उधर सुल्तान नंगा है इधर दहकान नंगा है, उधर सुल्तान नंगा है इधर दहकान नंगा है। बहुत सारी स्थितियां साहब, लेकिन खैर मेरे को तो बुलाया हास्य के लिए, लेकिन मैं एक गजल के 2-4 शेर पढ़कर आप तक वहीं आता हूं कि कभी हिंदू कभी मुस्लिम। दरअसल हुआ क्या, 47 में हम लोग आज़ाद हुए थे, आज़ादी से पहले एक सूत्र वाक्य दिया गया हमें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज तक सुन रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं क्या बताऊँ, नारा तो आज तक वही है
लेकिन इसके अर्थ बदल गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई तब हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है, हिंदू हिंदू का भाई, मुस्लिम मुस्लिम का भाई, सिख सिख का भाई और ईसाई ईसाई का भाई। स्थितियां बदल गई, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, सभी पहचान वालों ने यहाँ पहचान को लूटा। कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, सभी पहचान वालों ने यहाँ पहचान को लूटा। और शेर आप तक पहुँचे कि जरा सा चैन आ जाए, जरा सा चैन आ जाए तो राजा टैक्स लगवा दे, जरा सा चैन आ जाए तो राजा टैक्स लगवा दे, शुरू से राज दरबारों ने दस्तरखान को लूटा। जरा सा चैन आ जाए तो राजा टैक्स लगवा दे, शुरू से राज दरबारों ने दस्तरखान को लूटा। सबक सिखलाएंगे हम, सबक सिखलाएंगे हम अपनी अपनी वोट से उनको, सबक सिखलाएंगे हम अपनी अपनी वोट से उनको, जिन्होंने बैठ के संसद में हिंदुस्तान को लूटा। सबक सिखलाएंगे हम, सबक सिखलाएंगे हम अपनी अपनी वोट से उनको, सबक सिखलाएंगे हम अपनी अपनी वोट से उनको, जिन्होंने बैठ के संसद में हिंदुस्तान को लूटा। वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, लगाकर कह कहे भंवरों ने फिर मुस्कान को लूटा। वो 14 साल की तितली, वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, लगाकर कह कहे भंवरों ने फिर मुस्कान को लूटा। और मुसीबत जब भी आई, मुसीबत जब भी आई, शेर पहुंचे आप तक, मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, पुजारी ने हजारों मर्तबा भगवान को लूटा। मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, हम पुजारी ने हजारों मर्तबा भगवान को लूटा। और एक शेर आप तक और पहुंचाना चाहता हूं के बजाकर थालियां दावा किया सब ठीक होने का, बजाकर थालियां दावा किया सब ठीक होने का, किसी ने दिन दहाड़े विश्व के विज्ञान को लूटा। बजाकर थालियां दावा किया सब ठीक होने का, किसी ने दिन दहाड़े देश के विज्ञान को लूटा। मैं हिंदुस्तान हूँ मैंने उन्हें बतलाया था मुदगिल, मैं हिंदुस्तान हूँ मैंने उन्हें बतलाया था मुदगिल, मगर बहरों ने अंधा हो के मेरी आन को लूटा, मगर बहरों ने अंधा हो के मेरी आन को लूटा। बहुत सारी स्थितियाँ हैं साहब, मेरे को तो कहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। शुक्रिया। नहीं वो दरअसल है क्या कि मैं जिसकी इंतजार कर रहा था उसने नहीं डाली। नहीं मतलब तुम क्या समझ रहे हो मैं ठीक ठाक नहीं हूं क्या, मैं क्या बताऊं भाई साहब, नेताओं के बारे में बहुत सारी बातें हुई, मेरे से तो किसी ने पूछ लिया कि बताओ नेता और आदमी में क्या फर्क है। मैंने बड़ी ईमानदारी से समझाया उसे कि आदमी यदि कोशिश करे प्रयास करे तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले लाख प्रयास कर ले साला आदमी नहीं बन सकता। मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ, एक छंद आप तक पहुंचाता हूँ, देखिए और आनंद लीजिएगा कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया, नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे, तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे, नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे, नेता माथा ठोक बोले भाई 2 बार के पैसे लगेंगे फिर
कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल। सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे, दो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले, क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले, एक और पहुंचाता हूं आप तक, के मंत्री जी यूं बोले, अमेरिका ने तो कर लिया, हम भी निर्धनों को अपडेट करवाएंगे। मंत्री जी यूं बोले, अमेरिका ने तो कर लिया, हम भी निर्धनों को अपडेट करवाएंगे। देश के गरीब तकनीक से जुड़ेंगे सारे, सिर्फ 1200 में लैपटॉप दिलवाएंगे। तो एक पत्रकार बोला, आपने कहा था सर गरीब को तो सबसे पहले रोटियां खिलाएंगे। तो मंत्री बोले, लैपटॉप होगा तो गरीब सारे नेट से डाउनलोड करके रोटियां भी खाएंगे। मंत्री बोले, लैपटॉप। विशुद्ध हास्य की चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, देखिएगा। अच्छा, दरअसल है क्या, हास्य तो अपने बीच की चीज है, हास्य कहीं से भी निकल सकता है, हालांकि निकलता सिर्फ मुंह से ही है। विशुद्ध हास्य की चार पंक्तियां के बगैर किसी भूमिका के, केवल और केवल आपके आनंद के लिए। के गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहां तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मदमस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया था आपको, दरअसल मैं हरियाणा से आया हूँ, हमारे यहाँ दो कैरेक्टर विशेष पाए जाते हैं, तो मोलड़ और एक ताऊ। मोलड़ आप जैसे मदमस्त युवा, और ताऊ तो भाई साहब आज भरे पड़े हैं यहाँ पे। मोलड़ की एक डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। मोलड़ चला गया हलवाई की दुकान पे, गरम गरम जलेबियां बन रही थी, बोला भाई तोल दे एक किलो। हलवाई ने तोल दी, मोलड़ ने खा ली, खा के खड़ा हो गया। हलवाई बोले, अरे पैसे? बोले पैसे तो है नहीं। हलवाई नीचे उतरा, गुद्दी तक पकड़ा, दो मारे ऊपर दो मारे नीचे, और टंगड़ी मार के नीचे गिर दिया। मोलड़ 5 मिनट तक धरती पे पड़ा रहा एकदम ठंडा, 5 मिनट के बाद खड़ा हुआ और कुर्ता झाड़ के फिर काउंटर के आगे। तो हलवाई बोले, अरे अब क्या है? बोला, लाला इसी रेट में 2 किलो और तोल दे। के गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहां तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मदमस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊ ते यो बुझ लिया, ताऊ बोल, कुत्तों ने के मीटर मिला ये क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला, बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते झूम रहे हैं। स्थितियां ऐसा, अपना अपना आनंद है, आप इधर से ले रहे हैं, ये पीछे से ले रहे हैं। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात थी, मेरा तो ये नहीं समझ पाया बेटा, बाकी तो अपना अपना अब नजरिया है, मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत सारी स्थितियां, एक हास्य का चंद आप तक और भेज, के कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोलिया, देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा। हम लोगों ने सब टेलीविजन जैसा महागुरु रख लिया घर में, टेलीविजन जिसने बच्चों को ये सिखा दिया, बच्चे जिसके योग्य भी नहीं थे। मेरे को तो ध्यान में आता, एक आदमी ने घर पर फोन किया, उधर से उसकी मैडम ने उठा, बोला हेलो, उधर से मैडम बोली हेलो, बोले कहाँ पे है? बोली घर पे हूँ। बोला घर पे है तो मिक्सी चला के दिखा, उसने साहब मिक्सी चला दी घर। 3-4 दिन के बाद उसने फिर फोन किया, हेलो, उधर से मैडम बोली हेलो, बोले कहाँ पे है? बोली घर पे हूँ। बोला घर पे है तो मिक्सी चला के दिखा, उसने फिर मिक्सी चला दी घर। अब 3-4 दिन के बाद उसकी छुट्टी थी, वो घर पर आया तो उसने देखा मैडम थी नहीं, तो उसने नौकर से पूछ लिया, अरे मैडम कहाँ है? नौकर बोला, जी पता नहीं, 2 महीने हो गए, रोज सवेरे मिक्सी लेकर पता नहीं कहाँ चली जावे। हम तो ऐसी स्थितियों में जी रहे हैं। कि कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला, देखो
गर्ल्स हॉस्पिटल में कोई छोरा नहीं जाएगा, अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा। और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूजी बार 600, तीजे 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला, ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला, ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। हास्य की बहुत सारी स्थितियां हैं सर। मैं आप दरअसल है क्या, एक व्यंग आप तक, एक विडंबना, एक विषमता आप तक और पहुंचाता हूं। कि ताऊ बोला, जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, नाक ने बढ़ा के गणपति बन जाऊं मैं। ताऊ बोला, जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, नाक ने बढ़ा के गणपति बन जाऊं मैं। तेरे पे पूजा कराऊं, दीवा बाती भी लुआऊं, रोज ताजे ताजे मीठे मीठे लाडू खाऊं मैं। तो ताई बोली, हाथ जोड़ गणपति बन जाए तो हो जू मैं निहाल अर शुकर मनाऊं मैं। हर साल यमुना में कर के विसर्जन तेरा, अपने लिए नवा गणपति लेके आऊं मैं। हर साल यमुना में कर के विसर्जन तेरा। मैं तो क्या बताऊं साहब, स्थितियां हास्य तो अपने आसपास बिखरा पड़ा, बस दृष्टि वो चाहिए कि जहां से हम हास्य उठा लें। एक हास्य की परिस्थिति और भेजता हूं आप तक, कि पीछे पीछे मोलड़ ने देख कहनु छोरी बोली, पीछे पीछे मोलड़ ने देख कहनु छोरी बोली। भाई साहब किसी जुगाड़ का फोन है क्या? वो देख लो, आज मैं भी ऐसे ही हूं। कमर के पीछे दरअसल मेरी हंसी छूट गई तो मैं भूल जाऊंगा। आपने सही पकड़ा, पीछे पीछे मोलड़ ने देख के न्यू जोरी बोली, पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से। बस स्थितियों को समझिए और हास्य का आनंद लीजिए। के पीछे पीछे मोलड़ ने देख के न्यू छोरी बोली, पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से। मजनू बना फिर इतना भी ज्ञान कोनी, हम दोनों के पाछे मेरी मम्मी भी तो आवे से। तो छोरा बोला, चुपचाप बात न दबाए राख, मने भी पता है तेरी मम्मी पीछे आवे से। डर मत खानदानी, आशिक है हम देख, तेरी माँ के पीछे मेरा डैडी भी तो आवे से। डर मत खानदानी, तो क्या बताऊं यार, हास्य तो मैंने पहले भी बताया, निकलता तो मुंह से ही है। बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी स्थितियों पर हंसा जा सकता है। गुक्कड़ जी ने बहुत बढ़िया व्यंग पढ़े थे। अच्छा, एक स्थिति होती है व्यंग में, मेरे को तो किसी ने बताया कि नुका यार, मैंने उससे पूछ लिया, बताओ हास्य और व्यंग में क्या अंतर है। वो बोला, जी ऐसा है कि हास्य तो हास्य ही है, लेकिन व्यंग समझा देता हूँ। मैंने कहा, समझा भैया, क्या बात, क्या व्यंग क्या होता है? कहने लगे, जी ऐसा है कि एक बार एक जंगल में जो है ना, कबूतरी ने रंगीन अंडे दे दिए। कबूतर गया देखने के लिए, तो अंडे रंगीन थे। कबूतर को बहुत गुस्सा आया, वो अंदर कमरे में गया, अंदर से बंदूक निकाली और जाकर मोर को मार दिया। ये आधे लोगों की समझ में, हालांकि समझ में तो सबकी आया था, पर वो बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि घर घर की यही कहानी है। बहुत सारी स्थिति है, मैं तो क्या। अच्छा, मैंने तो उससे पूछ लिया, मगा भाई साहब एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई सफेद बालों वाला बच्चा पैदा हो जाए। बोला, कुछ नहीं, गोली तो गुक्क जी का लगेगी। वो मल्लिका शेरावत चलेगी रामदेव के पास, जाके बोली, बाबा आप तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, कितने सारे प्रोडक्ट, 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपने बनाने शुरू कर दिए, ब्यूटी प्रोडक्ट भी और पता नहीं क्या क्या, आप ये बताओ जब मैं नहाऊँ तो क्या लगाऊँ। बाबा बोले, कुछ नहीं, तू तो बस कुंडी लगा लिया कर। मैं बिल्कुल सही स्थिति, एक व्यंग की स्थिति आप तक पहुँचाता हूँ। मल्लिका चली गई दर्जी के पास,
और 1.5 मीटर कपड़ा लेकर, आधा मीटर कपड़ा लेकर मल्लिका चली गई दर्जी के पास और बोली इसमें मेरी 3 ड्रेस बना दो। अब दर्जी ने साहब इंटरनेट भी चेक किया, उसको देखा और फिर कपड़े को नापा और बोला बहन जी ये बताओ इसमें जो कपड़ा बचेगा उसका क्या बनाना है। यही स्थिति भेजता हूँ आप तक, एक क्षण सुनिएगा। के मल्लिका जेरावत को जूसर घुमाते देख नौकर बोला मैडम आप ये क्या घुमा रही हो, जूस की जरूरत हो तो मुझको आदेश करो, आप भला खुद ही क्यों जूस बना रही हो। तो मल्लिका तू नक्के बोली हट मुए बेवकूफ। वो कौन था जो सबसे पहले भूल गया था? अरे दिखता नहीं है तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूं मैं। मल्लिका ने जवाब दिया मैं तो वैसे ही मजा ले रहा था बीच में। दरअसल है क्या बहुत सारी स्थितियां, लेकिन मैं व्यंग के 2-4 छंद पढ़ना चाहता हूँ। मेरा मन कि शहर की ताम झाम लील गई पुरवा को, गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। शहर की ताम झाम लील गई पुरवा को, गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। अधनंगी छोरियों के चित्र ढूंढते हैं लोग अखबार में खबर, अब कोई नहीं देखता। के दिखते जो पीस जैसे पेड़ वही बीजते हैं, दरख्तों पे समर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देख कर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देख कर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। कि मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, रोटियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, रोटियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। डिग्रियों का बैग लिए दफ्तरों की सीढ़ियों से, एक दिन काया जैसी टूट गई जूतियां। और बेटियों के लिए वर खोजने गया जो बाप, उसके यकीन जैसी टूट गई जूतियां। और एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। और सत्ता की दलाली फल है गोरी गोरी जूतियों से, सत्ता की दलाली फल है गोरी गोरी जूतियों से। दफ्तरों में चांदी वाली चलती हैं जूतियां, मुर्गियां फंसती हैं जूतियों को देख कर, मछलियां आजकल तलती हैं जूतियां। और नेताजी चुनाव जीत आए तो नेता इन बोली, इनको तो वोटरों की फलती हैं जूतियां। और संसद से लौटे एक पत्रकार ने बताया, आजकल वहां भी तो चलती हैं जूतियां। संसद से लौटे एक पत्रकार ने बताया, आजकल वहां भी तो चलती हैं जूतियां। एक छंद और भेजता हूं आप तक कि रिश्तों को लूट लिया पैसे की चमक ने, स्नेह का हर बोल लगे आज खारा खारा सा। रिश्तों को लूट लिया पैसे की चमक ने, स्नेह का हर बोल लगे आज खारा खारा सा। इसीलिए पाखंड भी ऐसे परवान चढ़े, साधुओं का दल घूमता है मारा मारा सा। के मन में दरारे उठी घर में दीवारे उठी, तन टूट टूट हुआ आज पारा पारा सा। इसीलिए बेटे अब बाप कतराने लगे, बाप नभ ताकता है मौन हारा हारा सा। इसीलिए बेटे अब बाप कतराने लगे, बाप नभ ताकता है मौन हारा हारा सा। मित्रों बहुत सारी स्थितियां, लेकिन मैं एक अंतिम स्थिति आप तक बयान करके अपना स्थान लेता हूं। देखिए गजल के 2-4 शेर और पढ़ रहा हूं कि बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, बढ़ रही स्थितियां आपकी भी जैसी हो साहब, आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, बिल्कुल एक जैसी स्थितियां हैं कि बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, और हम जिंदा हैं केवल बिल बिलाने के लिए। बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए,
और हम जिंदा हैं केवल बिल बिलाने के लिए, और बेकसी बढ़ती रही गर दाने दाने के लिए, बेकसी बढ़ती रही गर दाने दाने के लिए, तन पड़ेगा झोंकना चूल्हा जलाने के लिए। बेकसी 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 बढ़ती रही गर दाने दाने के लिए, तन पड़ेगा झोंकना चूल्हा जलाने के लिए। और एक शेर को महसूस कीजिएगा कि कितनी ऊंची कूद मारी, कितनी ऊंची कूद मारी इस उरद की दाल ने, कितनी ऊंची कूद मारी इस उरद की दाल ने, लोन अब लेना पड़ेगा दाल खाने के लिए। कितनी ऊंची कूद मारी इस उरद की दाल ने, लोन अब लेना पड़ेगा दाल खाने के लिए। और सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, दिन में तारे दिख गए बच्चे पढ़ाने के लिए। और एक शेर आप तक भेजता हूँ कि नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी। नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी दो निवाले भूखे बच्चों को खिलाने के लिए। और एक शेर को महसूस कीजिएगा सिर्फ कि तन पे है बनियान चड्ढी दोनों के पर फर्क है। तन पे है बनियान चड्ढी दोनों के पर फर्क है, एक छिपाने के लिए और एक दिखाने के लिए। तन पे है बनियान चड्ढी दोनों के पर फर्क है, एक छिपाने के लिए और एक दिखाने के लिए। और एक शेर और भेजता हूं कि बन गया मैं तो मिनिस्टर भोली जनता शुक्रिया। मिल गया लाइसेंस अब तो देश खाने के लिए। और चंद वादे चंद नारे चंद चमचे मौतगिल पर्याप्त हैं इस देश की संसद में जाने के लिए, कितनी ऊंची कूद मारी इस उरद की दाल ने, लोन अब लेना पड़ेगा दाल खाने के लिए। और एक कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। कविता मुझे पूरी याद नहीं तो इसलिए मैं देख लूंगा थोड़ा सा, नहीं मतलब बिना पढ़े ही क्या या पहले वाली बढ़िया थी? नहीं आप जब भी चेक करेंगे मैं तो बढ़िया ही निकलूंगा, कोई बात नहीं, आप ताली बजाएं एक बार। मैं तो आदरणीय माताजी और पिताजी मैं तो देख रहा हूँ इन्होंने मास्क क्यों लगाया हुआ है, अब आपको क्या खतरा, जो होना था वो तो हो लिया। नहीं वो कोई बात नहीं, अनीता का ध्यान नहीं था, वो ऐसी बातों पे ध्यान देती भी नहीं, कहले मम्मी पापा की बात है इसमें क्या ध्यान देना यार, उसने कभी नहीं दिया। खैर मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मन भी है, आज 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस था, यद्यपि इसमें बहुत सारी बातें ऐसे, लेकिन फिर भी एक संकल्प की कविता आपके बीच में पढ़कर जाना चाहता हूँ, मेरा मन है कि पुरखों की आन बान शान के लिए, पुरखों की आन बान शान के लिए, नई पीढ़ियों के उत्थान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे हिंदुस्तान के लिए। तालियां आपकी बजती रहीं, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि मंगल पे जीत अभियान जिंदाबाद,
मंगल पे जीत अभियान जिंदाबाद, देश का पनपता विज्ञान जिंदाबाद, विश्व में हमारी पहचान जिंदाबाद, सारे मिल बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरे संग बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, श्रम सेवा साधना के मान के लिए, सत्यमेव जयते विधान के लिए, मातृभारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, देश की मिट्टी को हमने चंदन किया, देश की मिट्टी को हमने चंदन किया, आतताइयों ने भी तो क्रंदन किया, चीन व जापान ने भी वंदन किया, अमेरिका ने झुके अभिनंदन किया, अमेरिका ने झुके अभिनंदन किया, मेडिकल स्क्वायर वाली शान के लिए, गुजराती जेरगी कमान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, शत्रुओं का अभिमान कर डालें कम, शत्रुओं का अभिमान कर डालें कम, भारत हमारा और भारत के हम, शत्रुओं का अभिमान कर डालें कम, भारत हमारा और भारत के हम, आओ रे उठा के गंगा जल की कसम, गली गली गाएं चलो वंदे मातरम, गली गली गाएं चलो वंदे मातरम, दुर्भिसंधियों के अवसान के लिए, शत्रुता के मारक अभियान के लिए, मातृभारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए। और अंतिम अंतिम चार पंक्तियां आप तक भेजता हूं, आपका साथ रहे, के ना तो उत्पात ना ही दंगा चाहिए, ना तो उत्पात ना ही दंगा चाहिए, देश में कोई ना भूखा नंगा चाहिए, ना तो उत्पात ना ही दंगा चाहिए, देश में कोई ना भूखा नंगा चाहिए, जातियों के नाम पे ना पंगा चाहिए, एक एक हाथ में तिरंगा चाहिए, एक एक हाथ में तिरंगा चाहिए, देश हित प्राण देह दान के लिए, वीरता की नव्य पहचान के लिए, मातृभारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान।